नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वायलिन के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले हैं जाने कहां गए वो दिन, उसके अलंकार। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेसन को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, फिलहाल मेरे पास पसा पसा में ट्यून वायलिन है। अगर आपको ट्यूनिंग की जानकारी नहीं, सुर की जानकारी नहीं, तो जाइए आई बटन पे जाइए, क्लिक करिए, देखिए, लेसन्स को सीखिए, बहुत अच्छे अच्छे लेसन से समझिए, फिर यहाँ पे आइए। करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा वायलिन पसा पसा में ट्यून्ड है, जी सी जी सी में ट्यून्ड है, वैसी ही आपकी ट्यूनिंग चाहिए। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दे रहा हूँ और उनको तैयार करने के बाद हम बहुत अच्छी तरीके से गाना सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। और गाने के साथ इन अलंकारों के माध्यम से, इन फ्रेजेस के माध्यम से हम क्लासिकल संगीत में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए, हमारी वायलिन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब लेसन्स। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। सा रे ग प ध सा रे ग। मंद्र के मोटे वाले तार से स्टार्ट किया प, फिर ध जो आप नॉर्मल प्ले करते हो, फिर सा, फिर रे, फिर कोमल ग, शुद्ध ग नहीं, शुद्ध ग से थोड़ा सा पहले रे के जस्ट पास में ग, इसको कोमल ग कहते हैं, फिर प, फिर ध, ये नेक्स्ट ध है, मध्य का ध है, जो मोटे तार पे था वो मंद्र का था, फिर सा, पतले तार पे सा, देन रे, फिर कोमल ग, ठीक है। इसी का रिवर्स भी करना है तो ग रे सा ध प ग रे सा ध प। तो हमारे पास नोट्स क्या हो गए, प ध सा रे ग प ध सा रे ग, है ना। और उसी का रिवर्स करना है। इस रिवर्स करने को क्या बोलते हैं, अवरोह करना, है ना। जाने को तो आरोह बोलते हैं, रिवर्स करने को अवरोह बोलते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आरोह और अवरोह। तो आपको आरोह और अवरोह करना है किसका, प ध सा रे ग प ध सा रे ग ग रे सा ध प ग रे सा ध प। मैंने स्पीड में किया है, आपको स्पीड में नहीं करना, एक नोट और एक पूरी बो। तो प, ग रे सा ध प ग रे सा ध प, ठीक है। मैंने एक पूरी बोली, आपको और स्लो करना है जिससे कि वो की आवाज भी क्लियर निकले। अगर इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर क्या करना, एक फ्रेज है सा रे ग रे सा, इस फ्रेज को, इस पैटर्न को जब भी गा रहा है कोमल आ रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो इस पैटर्न को हर तार पे प्रैक्टिस करना है। तो क्या बन जाएगा, सबसे मोटे वाले तार पे प ध नी ध प, नी कोमल है, शुद्ध नहीं है, जैसे हमने ग को कोमल किया ना, पीछे कर दिया, रे के पास में कर गए, वैसे ही हमने नी को भी पीछे कर दिया। तो प ध नी ध प सा रे ग रे सा प ध नी ध प सारे गरे सा। और इन चारों फ्रेजेस को एक एक बो में करना है। कैसे करना है देखो, सारे गरे सा प ध नी ध प सारे गरे सा, समझ में आ गया। और तीसरी बात, आपको रे और प ये प्रैक्टिस करना है। देखो ये ओपन प होता है, ये वाला तार, लेकिन हमको इस छोटे से फिंगर को भी प्रैक्टिस करना है ढंग से। तो सा रे और ये इस फिंगर से प, अब कितना डिस्टेंस आएगा मैं बताता हूं आपको। ये हो गया सा, ये हो गया रे ग, ये हो गया मा, ठीक है ना, शुद्ध मा। मा के बाद में एक फिंगर का डिस्टेंस रखना और ये छोटी वाली फिंगर को रखना।
हो सकता है हाथ रखने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ से लूज छोड़ देना और ये बच जाएगा हमारा प, ठीक है। तो रे और प, रे प, रे प, इसकी ढंग से प्रैक्टिस करना। इसकी आवाज कैसी निकलेगी? इस प के जैसे निकलेगी, सेम टू सेम, क्योंकि दोनों स्वर प ही है, एक ओपन है। रे प, रे प, तो ढंग से प्रैक्टिस करना है इसकी। रे प, रे प, वो का बहुत ध्यान रखना। दोस्तों उम्मीद है कि आप तीनों लेसन्स ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे, सिंसियरली प्रैक्टिस कर लोगे। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो बो जो है उसका बड़ा ध्यान रखना, वो क्लीन चलनी चाहिए। जिस तार को प्ले कर रहे हो उसी की आवाज आनी चाहिए, उसके अलावा किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और बो को पूरा इस्तेमाल करना सीखना है, यहां से लेके यहां ऊपर तक, इस बात का भी ध्यान रखना। तो दो दिन का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, संडे को इस गाने का पूरा लेसन आ जाएगा। ये गाना बहुत खास है हर वायलिन के स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहता हूं कि उसी खासियत से ये बजे और आप सीख जाओ। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मेरी वेबसाइट पे जाना, प्रैक्टिस करके वहां भी प्रैक्टिस मुझे सुना सकते हो। www.chinmaygaur.com पे जाना, कम्युनिटी पेज पे जाना, वहां पे अपना ऑडियो भेज सकते हो मुझे कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, मैं खुद चेक करता हूँ, या फिर उसका लिंक भी भेज सकते हो, ठीक है ना। सिंसियरली भेज देना। तो मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक के लिए मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद और जय भारत।